वेलकम बैक एवरीवन, आई एम नवीन एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रोटीन की डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो, किसी भी चीज को, किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए उसे अलग अलग पार्ट में तोड़ना चाहिए। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के पॉलीमर के फॉर्म में। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तो अमाइनो एसिड्स ऐसी यूनिट है जिससे मिलकर हमारा प्रोटीन बना हुआ है। एक सिंगल यूनिट है जिससे हमारा क्या बना हुआ है, प्रोटीन बना हुआ है, जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे पॉलीमर के फॉर्म में जो कि अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ने से बनता है। अब देखो, मैंने इसके लिए एक माला वाला स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास जो बीट्स दिख रहे हैं इसमें, ये अलग अलग कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ये क्या है? हमारे अमाइनो एसिड्स। और इसमें जो ब्लैक कलर का धागा दिखाई दे रहा है, ये उनके बीच में प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर का बनेगा एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, या ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। तो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और उनने मिलकर फॉर्मेशन किया है एक लॉन्ग चेन पॉलीमर का, और इसी लॉन्ग चेन पॉलीमर को हमने नाम दिया है प्रोटीन। तो ये यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोर स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। अभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलग अलग फॉर्मेशंस में, अलग अलग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है, और इसी अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाइड किया है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं, और इन्हीं नेम्स को हम यहाँ पे, या इन्हीं क्लासिफिकेशन को, या इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन्स के बेसिकली चार स्ट्रक्चर्स हमारे पास में, फोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड द फोर्थ वन इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में, उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो सबको पता ही है कि अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ये देखो, जैसे कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, फिफ्थ अमाइनो एसिड, और आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर बना या चेन स्ट्रक्चर बना, उसी को बोला जाएगा क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो, इसे हम एक दोबारा से, वही स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये देखो कैसा है स्ट्रक्चर, ये सीधी स्ट्रेट लाइन जो है, अभी ये उतना स्ट्रेट नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा टेंशन आ रहा है जो धागा है उसमें, बट समझने की कोशिश करना। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग कलर में, ये क्या प्रेजेंट है? जो बीट्स प्रेजेंट है उन्हें क्या बोला जाएगा? अमाइनो एसिड। और बीच में प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड, ये ब्लैक कलर का धागा है, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये चेन स्ट्रक्चर बना है, इसे क्या बोला जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारा क्लियर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये चेन जो हमने अभी देखी है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट हो। हो सकता है कि इसमें कुछ ट्विस्ट आ जाए, ये मुड़ जाए कहीं से, या इसमें कोई अट्रैक्शन के थ्रू कोई अदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए जिससे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो अब यही चेंजेस प्रोटीन के अदर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? तो पेप्टाइड चेन मे एक्वायर स्पाइरल शेप और मे बी प्रेजेंट इन अ जिगजैग मैनर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पेप्टाइड चेन है, अभी पढ़ा था पेप्टाइड चेन को, ये पेप्टाइड चेन थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये या तो स्पाइरल शेप में प्रेजेंट हो सकती है या जिगजैग पैटर्न को ले सकती है। ठीक है, स्पाइरल शेप में प्रेजेंट हो सकती है या फिर ये बना सकती है एक जिगजैग पैटर्न को, और इसी जिगजैग पैटर्न को और स्पाइरल शेप को, या इसी इसी कॉइलिंग को, कॉइलिंग मतलब एक कॉइल हो गया ना, एक स्ट्रेट चेन थी अभी कॉइल हो गई है इस तरीके से, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट होता है बीटा शीट और सेकेंड होता है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। तो ये हमारा अल्फा हेलिक्स होता है और ये हमारी है बीटा शीट का स्ट्रक्चर। इसको दोबारा से समझते हैं, ये हमारे पास में वो प्रोटीन क्या था, ये हमारा प्रोटीन का
ये हमारे पास में था प्रोटीन का कैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कॉइलिंग हुई है, ठीक है, अलग अलग कॉइलिंग हुई है, या तो ये प्रेजेंट हो सकता है किसी स्पाइरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से, और इसी स्पाइरल फॉर्म को हमने तो यही प्राइमरी स्ट्रक्चर, या तो ये स्पाइरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये कुछ कॉइलिंग कर कर अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से चेंज कर ले। और इसी स्ट्रक्चर को प्रोटीन का बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर होता है। अब हम प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, ज्यादातर जब हम स्टडी करते हैं तब टर्शरी और क्वार्टरनरी को 3 और 4 नंबर के लिए डिनोट किया जाता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या है, अब प्रोटीन को यहां से भी सुकून नहीं मिलता है, उसे नहीं लगता है कि अभी तक वो अपनी स्टेबल स्टेट में है, तो अभी उसे और भी ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए या उसमें और भी ज्यादा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये क्या होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग हो जाए या फोल्डिंग हो जाए, उसी चीज को बोला जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, पहला हमारा था, ये हमारा क्या था, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में या तो कुछ इस तरीके से चेंजेस हो गए, तो ये इस तरीके का शेप बना, या फिर ये चेंजेस हुए कुछ इस तरीके से, ये देखो ये लॉन्ग चेन थी बट ये चेंज होके ये कुछ इस तरीके से इसने स्पाइरल फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। बट अब क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ अल्फा हेलिक्स कुछ बीटा शीट, और ये आपस में मिलकर बना लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को। देखो, ये क्या प्रेजेंट थी हमारा, ये हेलिक्स प्रेजेंट है, ये हमारा अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बन रहा था ये हमारी क्या है, बीटा शीट। ये था हमारा अल्फा हेलिक्स, इस तरीके से जो कॉइलिंग हुई है अल्फा फॉर्म में कॉइलिंग हुई ना, ये अल्फा का सेकंड होता है, और ये था हमारा क्या, बीटा शीथ, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीथ ही फर्दर और ज्यादा ट्विस्ट होकर क्या बना लेते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ इसको डायग्राम से भी समझाया है, ये था हमारा क्या अल्फा हेलिक्स, यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा फॉर्मेशन में था, ये अमाइनो एसिड लगे हुए, ये कलर स्ट्रक्चर देख रहा है ना बीच में डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, अल्फा हेलिक्स है। तो ये हमारा अल्फा हेलिक्स था, और यहाँ पे देखो और कॉइलिंग होते 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 ये किस में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे, बीटा शीट में, ये हमारी बीटा शीट स्ट्रक्चर है। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, तो इस तरीके से हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, लॉन्ग चेन थी जिसमें अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या था, इस लॉन्ग चेन में क्या हुई थी, कॉइलिंग हुई थी जिससे बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर कॉइलिंग हुई जिससे और ज्यादा स्टेबिलिटी मिली, और प्रोटीन क्या हुआ, कम जगह में स्टोर हो सकता है इस कंडीशन के बाद में, तो इससे हमारे फॉर्मेशन हुआ टर्शरी स्ट्रक्चर का। अब आता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज द एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन्स और सब यूनिट इनटू अ क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ड्यू टू वंडर वाल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये एसोसिएशन है कई सारी प्रोटीन चेन्स का या सब यूनिट्स का एक क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में ड्यू टू वंडर वॉल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस ट्विस्टिंग के बाद में क्या होता है, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर या कई सारी प्रोटीन चेन्स मिलकर आपस में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है ड्यू टू वंडर वॉल्स बॉन्ड एंड वंडर वॉल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, फर्स्ट क्या था हमारे पास में, अभी तक जो हो रहा था ना उसमें एक कुछ सिंगल पेप्टाइड चेन सी प्रेजेंट थी, उन्हीं में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ हमारे पास में, वो एक ही प्रोटीन्स के अलावा अदर प्रोटीन्स भी आपस में इस तरीके से जुड़कर, दो या तीन प्रोटीन चेन्स ने आपस में जुड़कर इसका फॉर्मेशन किया। देखो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन वन थी, इसमें अल्फा हेलिक्स भी था और बीटा शीट भी थी, दोनों थी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन टू है, इसमें भी बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स दोनों है, जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना ये। और थर्ड पेप्टाइड चेन हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन थर्ड थी, जिसमें भी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। अब इनमें भी आपस में तीनों चेन्स में आपस में क्या हो गया, वंडर वॉल्स बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, और इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, पहले तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्योंकि जो लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड की है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर्म होते हैं, इससे प्रोटीन का
अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्ट्रेट चेन है, इससे बनता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है, इसी पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉइलिंग हो जाती है जिससे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीथ का फॉर्मेशन होता है जिससे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर ट्विस्टिंग और फोल्डिंग की वजह से फॉर्मेशन होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर का। और अब कई सारे प्रोटीन चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बॉन्डर बॉल्स बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सहायता से जुड़कर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे बनता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स क्लियर होते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देने के लिए है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डीनेचुरेटेड बाय हीटिंग, ठीक है। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर में हमारे पास में या किसी भी चीज में हमारे पास अगर प्रोटीन प्रेजेंट है और उसको हम हीट करें, किसी भी वजह से हीट करें, जैसे दूध है, दूध में हमारे पास में प्रोटीन प्रेजेंट है, या कोई अदर हमारे पास फूड है, दालें हैं, कुछ भी प्रेजेंट है जिसमें हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, अब इसको हम हीट करेंगे या इसको गर्म करेंगे तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो अफेक्टेड नहीं होगा। बाकी ये सारे बॉन्ड, क्योंकि जो वैन डेर वाल्स बॉन्ड होते हैं ना और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती, ये आसानी से टूट जाते हैं। तो जैसे ही हम हीट करेंगे ना ये सारी बॉन्डिंग टूट जाएगी, केवल बचेगा तो कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन का बच जाता है। तो डीनेचुरेशन या हीटिंग पर प्रोटीन का केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बचता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही सेफ रहता है। तो ये हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर यहाँ से क्लियर होते हैं।